गाइस आज मैं आप लोगों को स्मार्टवॉच बाय करने के 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अभी बहुत सारे लोग स्मार्टवॉच बाय तो कर लेते हैं लेकिन वो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं देखते जो उन लोगों को एक्चुअल में देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्मार्टवॉच ट्रेंड में है तो इस वजह से लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें नहीं देखते हैं जो चीज़ उनको देखनी चाहिए, और इस वजह से फिर उनको काफ़ी ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होती है और फिर उनकी स्मार्टवॉच ऐसे ही पड़ी रहती है, बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत जल्दी बताऊंगा, 5 पॉइंट बताऊंगा, और वो 5 पॉइंट अगर आप सही से अपने स्मार्टवॉच बाय करते समय देखते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लिए काफी बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती हो, कुछ वैल्यू मिलती हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि तुम्हारी वीडियो से मुझे क्या फायदा। एक्चुअली देखिए, हम काफी रिसर्च करके, काफी एफर्ट करके, काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं और जिससे हमारी वीडियो से आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो मिलती ही होगी, तो इस वजह से आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए अगर आपको मिलती हो तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट उठ कर आता है बिल्ड क्वालिटी। एक्चुअली होता क्या है कि लोग स्मार्टवॉच जब बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर वो स्मार्टवॉच बाय तो कर लेते हैं, ऊपर से देखते हैं उनको अच्छा लगा और बाय कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं देखते हैं जिसकी वजह से उनको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए जब आपकी स्मार्टवॉच की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, स्मार्टवॉच की या किसी भी प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी जब अच्छी होगी तो वो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा लंबा चलेगा और वो ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगेगा। एक्चुअली जब जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती तो वो प्रोडक्ट तो मतलब अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले अपनी स्मार्ट वॉच में बिल्ड क्वालिटी देखनी है और कोशिश ये कीजिएगा कि उसका जो फ्रेम होता है वो प्लास्टिक का ना हो, वो एल्युमिनियम का हो। एल्युमिनियम का होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होगा और वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्मार्ट वॉच ज़्यादा लंबी भी चलेगी। अब जो हमारे पास में दूसरा पॉइंट उठ कर आता है वो है स्मार्ट वॉच का स्ट्रैप। एक्चुअली होता क्या है कि स्मार्ट वॉच का जो स्ट्रैप होता है अगर वो नॉर्मल क्वालिटी का होगा, उसे जब हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक पहनेंगे, और स्मार्ट वॉच है तो लंबे समय तक तो पहनेंगे, और अगर हम लोग उसको ज़्यादा लंबे समय तक पहनेंगे तो वहाँ पर हम लोगों के मतलब स्किन में पसीना आने लगता है और वो हम लोगों को फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है, वहाँ पर हम लोगों को उलझन होने लगती। तो इसकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच की स्ट्रैप की क्वालिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और कोशिश ये कीजिए जो नए वाले आजकल स्ट्रैप चल रहे हैं मैग्नेट वाले, उसमें होता क्या है कि उसमें आर पर मतलब एयर पास होती रहती है तो वहाँ पर हम लोगों को पसीना नहीं आता और वो हम लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं होता, और उसको हम लोग काफ़ी लंबे समय तक भी पहने रहें तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप वो वाले ले लीजिए, और नहीं तो अगर आपको प्लास्टिक वाले लेने, रबर वाले लेने, तो आप मतलब अच्छी क्वालिटी के लीजिए, नॉर्मल क्वालिटी के मत लीजिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ले तो लेंगे पैसे के बचाने के चक्कर में, लेकिन फिर बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो जो आप जितने पैसे बचाएंगे उससे मतलब जितने का कि आप स्मार्ट वॉच लेते हैं आपको उतना पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपका आपको लगता है स्टार्टिंग में कि पैसा आपका बच गया लेकिन बचता नहीं है, वो एक्चुअल में जितने की स्मार्ट वॉच होती है वो स्मार्ट वॉच का पैसा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो पहन ही नहीं पाते बाद में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कौन पहनेगा। अब जो हमारे पास में तीसरा पॉइंट निकल कर आता है वो स्मार्ट वॉच की बैटरी, और वो हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्मार्ट वॉच की बैटरी हम लोगों को डेली चार्ज करनी पड़ेगी तो फिर हम लोगों के लिए वो मतलब डेली का झंझट हो जाएगा। अब हम लोग फ़ोन तो अपना चार्ज करते ही हैं, अब वहाँ पर हम लोगों को स्मार्ट वॉच भी चार्ज करने पड़े तो बेकार हो जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो स्मार्ट वॉच की बैटरी कम से कम नहीं तो आपकी 6 से 7 दिन का बैकअप आपका होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो उसकी बैटरी कम से कम 6 से 7 दिन का आप उसमें बैकअप जरूर देखिए, क्योंकि अगर हम लोगों को डेली चार्ज करना पड़ेगा तो इतना झंझट कोई नहीं करता। मतलब आप स्टार्टिंग में तो कर लोगे, कुछ दिन कर लोगे, कुछ महीने कर लोगे, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म पर ये चीज़ नहीं कर पाओगे, फिर आप इससे मतलब बाज आ जाओगे, फिर इसको मतलब धर दोगे एक किनारे के, भैया तू बस साइड में ही रहे, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको स्मार्ट वॉच की बैटरी का बैकअप मतलब एक आपको 6 से 7 दिन का बैकअप ढूंढना है। अगर आप मतलब ज़्यादा ढूंढ लेते हैं तो बढ़िया, वैसे 6 से 7 दिन नॉर्मल होता है, वो 6 से 7 दिन बहुत ही अच्छा होता है। और जो हमारे पास में चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो हमारी डिस्प्ले। एक्चुअली होता क्या है कि अगर स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो उसे अगर हम लोग सनलाइट के नीचे यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोगों को टाइम देखने में और भी जो नोटिफिकेशन मतलब कुल मिला के यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर उसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो वो सनलाइट के नीचे मतलब ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी और ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो हम लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप कोशिश ये कीजिए कि उसकी जो ब्राइटनेस होती है, उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 350 पिक्सल से 450 पिक्सल तक होना चाहिए, मतलब इसके आसपास होना चाहिए, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर इससे कम होगा तो डिस्प्ले जो पिक्सलाइज दिखेगी और सनलाइट के नीचे आपको टाइम देखने में और आपके जो नोटिफिकेशन देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप एमुलेट ले सके तो आप एमुलेट लीजिए, नहीं तो आप अपना मतलब इसके पिक्सल से ऊपर लीजिए, वैसे एमुलेट लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट भी हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी मेन पॉइंट है, वो है हमारा स्मार्ट वॉच का ऐप। मतलब हम लोग जिस ऐप से अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करते हैं उसको भी हम लोग उसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उस ऐप में सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मतलब स्मार्ट वॉच जो भी लेते हैं उसके बारे में, जो भी ऐप हो मतलब उसके कनेक्ट करने के लिए जो भी ऐप हो, आप उसके बारे में कायदे से रिसर्च कीजिए और उसमें देखिए कि सारी नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और उसके बाद है जो हम लोगों की स्मार्ट वॉच होती है उसका जो इंटरफेस होता है वो हम लोगों को ऐप के थ्रू ही डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये भी देख लीजिए कि उसमें क्या है सारी चीज़ें, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं, और कितने इंटरफेसेस हैं, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कायदे से, उसके बाद ही कहीं भी पैसा खर्च करिए, क्योंकि फालतू जगह पर पैसा खर्च करने कोई सेंस बनता नहीं है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।